और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ओवैसी का ममता और बीजेपी पर बड़ा हमला, मोदी और ममता की भाई बहन की जोड़ी है, ये क्या कहा है ओवैसी ने। तो कलमा पढ़ करके गरीब मुसलमानों को बरगला रही है दीदी, ये भी कहा बंगाल के मुसलमानों का दीदी ने भला कभी नहीं किया है, ममता दीदी और मोदी दादा मिलकर के ड्रामा कर रहे हैं। तो देखिए एक तरफ ममता ये आरोप लगाती हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी या पीर दादा अब्बास सिद्दीकी मिलकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो इधर ओवैसी ने ये आरोप लगाया कि ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और ये ड्रामा नहीं चलने वाला। बीजेपी को रोकना है मगर ये भाई बहन की जोड़ी नहीं रोक सकेगी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी भाई बहन की जोड़ी है, ये एक तरफ भाई है, एक तरफ दादा है, एक तरफ दीदी है, इन्हों दीदी बोलते हैं, उन्हों दादा बोलते हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं ममता बनर्जी सर पे ओढ़ के, अल्लाह हू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो गरीब बेचारा कितना अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो ममता दीदी चुनाव में बुरी तरह से घिर चुकी हैं, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, ममता दीदी को अब समझ में ही नहीं आ रहा है। ममता दीदी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बीजेपी की भगवा क्रांति का मुकाबला करे कैसे, या फिर पीरजादा और ओवैसी के विरोध का सामना करे जिन्हें ममता शैतान भाईजान साबित करने पर तुली हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुआ करो सबाई के भालो रखो। मेरा मानना है दीदी का गद्दी जाने वाले, क्योंकि तीन जगह चुनाव में दीदी ने समय लिए, हमारे माहौल बहुत खराब है। अगर 30% मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को वोट कर दे तो फिर ममता की पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोस बंगाल का 30% मुसलमान और मुस्लिम नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जरा देखिए कुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की रैली में ममता के खिलाफ भारी संख्या में मुस्लिम दिख रहे हैं। अरे इन सब के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है, ममता बनर्जी समाज विरोधी बना रहे, इसीलिए ये लोग बोल पाए, नहीं तो ये लोग नहीं बोल पाए। 10 साल की बात, ये लोग जब उन लोगों से मौका मिला बाहर निकलने की, ये जो स्वाधीनता इसको मिले हैं, इस खुशी से ये लोग इतना भीड़ जमा रहे, ये लोग बोल रहे हमको जीने का हक मिल रहा है, हमको चाहिए। अब जरा ओवैसी की रैली को भी देख लीजिए, जहां पर भारी संख्या में मुसलमान ममता के खिलाफ एकजुट हुए हैं, और ओवैसी ममता के खिलाफ जमकर बोलते हुए कह रहे हैं कि ममता चंडी पाठ से घटिया राजनीति कर रही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ, ये भारत का सेक्युलरिज्म है, ये भारत का सेकुलरिज्म है। ये नहीं हो सकता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं बोलते जाऊंगी, नहीं दीदी, मोदी और आप दोनों सगे भाई बहन हैं। ओवैसी वही ममता पर मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये वही आरोप है जो पीएम मोदी ने ममता पर लगाए थे कि ममता मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का दावा कर रही है, यानी ममता चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने का खेला कर रही है। हैदराबाद से बीजेपी एक बंधु इससे আর ফুলফুলা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। মুঝে পাতা নাই হ্যায় কি আপকো চুনাও আয়োগ নে নোটিস ভেজা হ্যায় ইয়া নাহি, লেকিন আপকি ইয়ে বাত সাফ বাতাতি হ্যায় कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी वे भी अब आपसे चले गए हैं, और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है।